नमस्कार, मैं हूं आपके साथ धीरेंद्र अवस्थी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। नागरिकता संशोधन अधिनियम के लिए भाजपा ने जन जागरण अभियान जारी किया है। नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपक धानी के नेतृत्व में क्षेत्र में एक दर्जन गांवों के घर घर जाकर सीए की जानकारी दी गई और कहा गया कि यह कानून भारत के लोगों के लिए है, इससे देश के लोगों को मजबूती मिलेगी। सभी धर्म के लिए यह कानून बनाया गया है। वहीं कांग्रेस के द्वारा अफवाह फैलाकर भ्रमित किया जा, कांग्रेस के इस अफवाह का लोगों से विरोध करने की अपील की है। कार्यक्रम चल रहा है सीए के बारे में, जो जिसमें कांग्रेस भ्रम फैला रही है, और इसलिए हम घर घर जाके अपने बूथों में जाके अपने कार्यकर्ता और अन्य जो मुस्लिम भाई लोग हैं उनको बता रहे हैं कि सीए जो है ये जो आपके लिए इसमें कुछ नहीं होना है। जो बांग्लादेशी और अफगानिस्तान बांग्लादेश से आए हुए हिंदू शरणार्थी हैं उनको जो है उनके लिए ये सीए है। तो बीजेपी अब एनआरसी और सीए को लेकर जन जागरण अभियान की शुरुआत कर चुका है, जिसको लेकर उत्तराखंड के कई हिस्सों में बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों के बीच पहुंचकर सीए और एनआरसी को लेकर उनको जागरूक कर रहे हैं। और उनको बताया जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो सीए और एनआरसी को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है उस भ्रम में वो ना आए। यह कानून सबके लिए है, किसी की नागरिकता छीनने वाला यह कानून नहीं है। इस बारे में लोगों को जानकारियां दी जा रही हैं। और इसी खबर पर बेरीनाग से हमारे संवाददाता प्रदीप मेहरा हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप जी, बीजेपी की तरफ से सीए और एनआरसी को लेकर जन जागरण अभियान की अब शुरुआत की गई है, लोगों के बीच में वो पहुंच रहे हैं और लोगों को सीए और एनआरसी की जानकारी दे रहे हैं। उत्तराखंड में किस क्षेत्र से उन्होंने इसकी शुरुआत की है? जी, भाजपा के द्वारा सीए को लेकर बड़ा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गाँव गाँव घर घर जाकर इस अभियान की जानकारी दी जा रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है, नगर से लेकर ग्रामीण मंडल में इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। भाजपा का हर कार्यकर्ता को घर घर जाकर इसके पत्र बांटने के लिए कहा गया है जी। और लगातार इस कार्यक्रम को लेकर 15 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें हर विधायक परिषद पर एक रैली का आयोजन होना है। इस कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जी प्रदीप जी, जो बीजेपी की तरफ से जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई, इसमें कुछ टारगेट या फिर कुछ समय सीमा भी दी गई कि इतने समय में आपको इतने लोगों के बीच में जाकर लोगों को एनआरसी और सीए के बारे में जागरूक करना है? 15 जनवरी तक का ये अभियान चलाया जाना है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम होने हैं। सीए को लेकर जो जानकारी है, समस्त कार्यक्रम जो है सीए जो 15 जनवरी तक भाजपा के द्वारा आयोजित किए जाने हैं, जिसको लेकर भाजपा के द्वारा विभिन्न टीमों का गठन किया गया है, प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। लगातार इस कार्यक्रम की जो है मॉनिटरिंग भी हो रही है, जिला अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष कार्यक्रम को के अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। जी प्रदीप जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं चमोली में मुख्य विकास अधिकारी हस्तदंत पांडे की अध्यक्षता में स्वीप कोर कमेटी की बैठक की गई, जिसमें मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का बूथ लेवल तक व्यापार प्रचार प्रसार कर मतदान में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। बैठक में सीडीओ ने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान में सबकी भागीदारी जरूरी है। उन्होंने आगामी चुनाव में मतदान फीसदी को बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का बूथ लेवल तक व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। जो प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है, इस बार भी 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे NVD मनाए जाने के उद्देश्य से आज की ये बैठक स्वीप के माध्यम से। स्वीप एक ऐसी एक्टिविटी है जो प्रचार और प्रसार इलेक्शन का, और 100% हमारी वोटिंग हो और प्रत्येक पोलिंग बूथ पे हमारे दिव्यांग मतदाताओं से लेकर के जितने भी 100 ईयर्स से ऊपर के मतदाता हैं इन पर फोकस करते हुए, और जो माइग्रेटरी मतदाता हैं जो 18 वर्ष पूरी करेंगे 1 जनवरी 2020 को, उनके लिए भी ये ड्राइव 6-7-8 फॉर्म्स के माध्यम से चलाया जाता है। संवाददाता पुष्कर नेगी हमारे साथ जुड़ गए। पुष्कर जी, आज जिला स्वीप कोर कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए, और क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? जी धीरेन्द्र, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस तरह से कि 25 जनवरी जो आएगा हमारा नेशनल वोटर डे की जो तैयारी, जो नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को मनाया जाता है उसको लेकर आज
जिला मुख्यालय में जो हंसादत्त पांडे जो मुख्य विकास अधिकारी थे इनके साथ जो आर ओ की बैठक को लेकर जो हमारे वोटर जो नए वोटर जुड़ेंगे इनको लेकर यहाँ पे आज एक मीटिंग करी गई। और इसमें जो है नाना प्रकार के जो नुक्कड़ नाट्यों को लेकर यहाँ पे जो संस्था जो हमारी स्कूल है या कॉलेज है या गाँव ग्राम पंचायतें हैं या दुनिया भर के जो या प्रचार प्रसार जो तरह से वोटर जो नेशनल वोटर जो हमारा मनाया जाएगा 25 जनवरी को इसको लेकर यहाँ पे तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और हंसादत्त पांडे का कहना यह भी है, मुख्य विकास अधिकारी का कहना यह भी है कि वोटर अपना मत का प्रयोग जो है 100% जो इस बार जो जनपद चमोली में प्रतिशत जो वोट प्रतिशत कम होता है इसको लेकर यहाँ पे जो चर्चाएं भी की गई और इसको लेकर तमाम क्षेत्रों में या हम कह सकते हैं कि जो हमारे ब्लॉकों में है ब्लॉक स्तर से बाद विवाद प्रतियोगिता होगी या वोटरों को जागरूक किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो नेशनल वोटर डे हमारा 25 जनवरी को मनाया जाएगा उसको लेकर यहाँ पे आज बैठक की गई और तमाम जो विकास अधिकारी ने तमाम जो हमारे पंचायत हैं या पंचायत अधिकारी हैं या जो भी यहाँ पे हैं पहुंचे थे इनको यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए। नेशनल जो वोटर डे हमारा 25 जनवरी को मनाया जाएगा। जी पुष्कर, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आगे भी आपसे और जानकारी लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। वहीं चमोली में उड़ान योजना के तहत सस्ती हवाई सेवा शुरू करने के लिए नागरिकता उड्डयन महानिदेशालय की टीम ने गोचर हवाई पट्टी का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पहुंचे डीजीसीए की टीम हवाई पट्टी भी की सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जल्द ही हवाई सेवा शुरू होने की बात कही है। बता दें कि पहले यह हवाई सेवा 20 दिसंबर से शुरू होने वाली थी, लेकिन मौसम और तय समय सीमा सही इंतजाम पूरी न होने के कारण हवाई सेवा शुरू नहीं हो पाई है। तो पुष्कर नेगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्कर जी, आज हवाई सेवा लोगों को आम जनता के लिए सस्ती हवाई सेवा शुरू करने जा रहा है उत्तराखंड सरकार, क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है इसको लेकर? जी देखिए धीरेन्द्र, मैं आपको जानकारी दे दूं जिस तरह से कि यहाँ पे जो हवाई गोचर हमारा हवाई पट्टी है इसको लेकर जो है नागरिक उड्डयन जो यहाँ पे इनके कर्मचारी जो कल यहाँ पे बैठे हुए थे उन्होंने हवाई सेवाओं के लेकर जो गोचर का हमारा जो निरीक्षण किया इसको लेकर जो अपनी एक रिपोर्ट यहाँ से दे गए हैं और उड्डयन जो नागरिक भारत उड्डयन का नागरिक उड्डयन डीजीए है उसको सौंपे गए। तो कहीं ना कहीं जो एक कनेक्टिविटी का जो हमारी चारधाम यात्रा को जोड़ने हवाई सेवाओं से जोड़ने के लिए जो इस समय पहल इसको हम कह सकते हैं कि अच्छी पहल जो गोचर हवाई अड्डे का विकास के लिए यहाँ पे जो जिस तरह से इसका निरीक्षण किया गया इस पे इनको जो भी यहाँ पे बने हुए थे चाहे इनका आपका सुरक्षा हो या आपका ऑफिस हो इनको लेकर जो उड्डयन जो यहाँ पे पहुंचे थे भारत के नागरिक उड्डयन कल यहाँ पे पहुंचे थे इनको संतुष्ट होकर यहाँ पे गए और अपनी रिपोर्ट जो है भारत सरकार को सौंपेगी। जी पुष्कर जी, आम जनता के लिए सेवा कब से शुरू कर दी जाएगी? जी देखिए धीरेन्द्र, चिल्याली सौण से लेकर और जो हमारा जो गोचर का हवाई पट्टी है इसको लेकर जो चारधाम यात्रा में ही इसका शायद प्रयोग हो सकता है क्योंकि इस समय जो चारधाम यात्री जो हमारे बद्रीनाथ हो चाहे केदारनाथ हो चाहे गंगोत्री हो यमुनोत्री हो इनको लेकर जो हवाई सेवाएं जो चारधाम यात्रा को लेकर जो प्रोजेक्ट जो है भारत सरकार ने जो उत्तराखंड सरकार को भेजा इसको लेकर जो तमाम जो अटकलें थी वो जो है इसका सर्वे करके यहाँ से चले गए। तो चारधाम यात्रा जो चलेगी तो यहाँ से जो हवाई सेवाएं हमारी सस्ती भी हो जाएगी और जो हमारी चारधाम यात्रा है उसको सुगम और सुगम बनाने के लिए जो हवाई सेवाएं आने वाले जो चारधाम यात्रा है उसमें देखने को मिल सकती है। जी धीरेन्द्र जी, पुष्कर तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सालों से बना हुआ था तो इसके संबंध में डीजीसीए की टीम ने कल विजिट किया और उन्होंने जो भी हैंगर के अंदर जो भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कह रखा था, केबिन्स बने थे, फ्यूल रूम बना था, टेक्नीशियंस रूम बने थे, कुछ शौचालय वगैरह बने थे, ये सभी कुछ ओके पाया गया और साथ में हेलीपैड की कंडीशन भी बिल्कुल अच्छी पाई गई और बाकी जो उनकी रिपोर्ट है वो यूकाडा को सबमिट करेंगे और उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की सेवाएँ शुरू की जाएंगी। आपका स्वागत है। टिहरी बांध की झील में पिछले 6 दिन से फेरी बोट सेवा का संचालन बंद होने से आक्रोशित बाढ़ प्रभावित लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। बांध प्रभावितों ने कहा है कि बोट सेवा बंद होने से उन्हें झील आर पार करने के लिए 40 से 60 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा है। हालांकि बाद में पुनर्वास निदेशक डीएम ने आश्वासन दिया है कि फेरी बोटों का विधिवत संचालन शुरू किया जाएगा, बोट संचालकों का शेष भुगतान भी कर दिया जाएगा। का नाव चल रहा था उसका हम यथावत मार्च तक रखने के लिए बोला था। इस संबंध में भी हम लोग परसों मीटिंग किए थे और हमारा ओसी के द्वारा नाव वाले से भी संपर्क किया गया है। सो इसका हम मार्च तक यथावत रखेंगे, फिर उसके बाद जो
शासन लेवल पर और टीएसडीसी लेवल पर जो डिसीजन होगा आगे जो व्यवस्था है बता दें। टेरी झील पर 415 परिवार आज तक विस्थापन की बाढ़ झोर है सर, इसके लिए क्या दिशा निर्देश दी जाएगी? सो इस संबंध में हम लोग गांव वाइज पूरा रिकॉर्ड निकाल दिया गया है और रिकॉर्ड में जो जो लोग पात्र है उसका लिस्ट हमने ले लिया गया है। रुड़की के इंजीनियरिंग कॉलेज में दो छात्रों के गुट आमने सामने आ गए और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों में जमकर मारपीट हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद छात्रों के विवाद को शांत कराया। बता दें कि तीन दिन पहले कोर कॉलेज में किसी बात को लेकर छात्र गुटों में कहासुनी हो गई थी, लेकिन उस समय कॉलेज प्रशासन ने छात्रों के इस विवाद पर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद एक बार फिर से दोनों छात्र गुटों में विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे छात्रों को शांत कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। की कंप्लेंट इसमें प्राप्त हुई है कि कुछ एक बच्चों का स्टूडेंट्स का है, उनकी आपस की लड़ाई थी, तो उसमें इन लोगों ने भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ कोर कॉलेज का वो लोग भी इसमें कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ, और हमारे को भी एक नामजद रिपोर्ट दी है बच्चों के खिलाफ जो यहाँ पे थोड़ा सा माहौल को ख़राब कर रहे हैं, तो अब उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। मैडम पिछले तीन दिन से चल रहा है इस प्रकार से, कोई एक्शन पिछले तीन दिन से नहीं लिया गया? देखिए पुलिस के संज्ञान में ये मैटर कल ही आया है, तो पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। आज भी यहाँ काफ़ी हमने इसलिए फोर्स रखा था क्योंकि आज एग्जाम वगैरह भी था यहाँ पर, तो बाकी आज ही इन्होंने कंप्लेंट लिख कर दी तो उसमें कार्रवाई की। कितने लोगों को नामजद किया गया इसमें? 10 लोगों को इन्होंने नामजद किया। तो रुड़की में दो छात्र गुटों के आपसे में भिड़ने का मामला सामने आया है और इंजीनियरिंग कॉलेज का यह पूरा मामला है जहां पर दो छात्र गुट आपस में भिड़ गए। किसी बात को लेकर इनके बीच कहासुनी हो गई थी और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस को वहां पर पहुंचकर मामले को शांत कराना पड़ा। तो रुड़की के इंजीनियरिंग कॉलेज का यह पूरा मामला जहां पर दो छात्र गुट आमने सामने आ गए और उनमें मारपीट हुई, और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, रुड़की के इंजीनियरिंग कॉलेज में दो छात्र गुटों के आपस में लड़ने का विवाद सामने आया है, क्या किन वजहों से यह विवाद हुआ है? बिल्कुल, आपको बता दें ये बहादराबाद थाना क्षेत्र स्थित ये कोर कॉलेज पड़ता है जहां पर दो गुटों में आमने सामने आ गए, और हालांकि तीन दिन पहला ये मामला है आपसी कहासुनी को लेकर ये मामला हुआ था, और मामला इतना बढ़ गया कि कॉलेज परिसर और कॉलेज प्रशासन के मामला संज्ञान में आने पर भी कॉलेज प्रशासन ने कुछ एक्शन नहीं लिया। हालांकि आज की बात है जिस समय ये दोबारा से मामला उत्तेज हुआ और मामला इतना बढ़ गया कि पूरा कॉलेज जो छावनी में तब्दील हो गया, हालांकि मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया, और कई इस गुट छात्र में कई लोग घायल भी हो गए हैं, और इसमें अगर मुकदमे की बात करें कई लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। जी जी संजय जी, वजह क्या है, किन वजहों से इन दोनों छात्र गुटों में आपसी झड़प हुई है? बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दे एक गुट इसमें लखनऊ के रहने वाला था और दूसरा मुजफ्फरनगर का था, हालांकि आपसी कहासुनी हुई, इनमें किसी युवती थी उस पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसको लेके ये मामला बढ़ गया और आमने सामने इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे चल गए और दोनों ही जो गुट थे उनमें आपस में इतना भिड़ गए कि आपस में घायल भी कई लोग हो गए। जी जी संजय जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल इंडिया शियाला बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि ईरान सुलेमानी का बदला लेकर रहेगा, जब तक अमेरिका से सुलेमानी के खून का बदला नहीं लिया जाता है तब तक मस्जिद के ऊपर लाल झंडा लहराता रहेगा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ने बुजुर्गाना हमला किया है जिसे ईरान बर्दाश्त नहीं कर सकता है, अब ईरान इसका बदला लेगा और अमेरिका हर हमले के लिए तैयार रहे। उन्होंने अमेरिका को पाकिस्तान का दोस्त बताते हुए कहा कि अमेरिका हिंदुस्तान का दुश्मन है, वो कभी हिंदुस्तान का दोस्त बनने लायक था ही नहीं। हुआ है गुरुद्वारे को गुरु नानक साहब के, मैं उसकी भरपूर तरीके से मदम्मत करता हूँ, भरपूर तरीके से मैं इसको कंडम करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस्लामी देश नहीं है बल्कि आतंकवादी देश है। पाकिस्तान के अंदर शिया मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इमामबाड़ों में पूरी तरीके से हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान में मस्जिदों में मुसलमान मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान वो इस्लामी देश है जो 100 गज इस्लामी देश है, मगर इसका इस्लाम से दूर दूर तक से कोई ताल्लुक नहीं है, ना वहाँ कोई मुसलमान महफूज है। आज तक के जो लोग माइग्रेट करके हिंदुस्तान से गए थे पाकिस्तान ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया है,
और उनको मुहाजिर आदमी वो मुहाजिर कहते हैं और उनके लीडर लंदन में रहते हैं MQM के अल्ताफ हुसैन। हरिद्वार में गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए मात्र सदन आश्रम ने एक बार फिर सामाजिक कार्यकर्ता ने मंथन किया। बैठक में मौजूद लोगों ने गंगा में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर गंभीर चिंता जाहिर करते हुए गंगा को लेकर अविलंब केंद्र सरकार से कानून बनाने की मांग की है। गंगा की रक्षा के लिए बैठक में गंगा नदी पर बनने वाली सभी प्रस्तावित और निर्माणाधीन बांध परियोजना को निरस्त करने सहित गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए कानून बनाने की मांग की है। बैठक में चेतावनी दी गई है कि गंगा की रक्षा के लिए उनकी मांगों पर जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया गया तो केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। गंगा को लेकर पिछले 20 साल से ज्यादा से दर्जनों आंदोलन कर चुका हरिद्वार का मात्र सदन आश्रम एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाने में जुट गया है। आंदोलन है, इसमें बहुत ही एकेडमिक लोग भी हैं, इसमें एक्टिविस्ट भी हैं और इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियों के वो लोग हैं जिनकी आंखों में थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है, जिनकी आंखों का पानी मर गया, जिन राजनेताओं की आंखों में अब पानी नहीं है वो इस सम्मेलन में जरूर नहीं आए। देखिए ऐसा है, अभी तक गंगा के लिए 4 संतों ने अपनी प्राणों की आहुति दी है। ये जो आहुति है ये इसलिए हो रही है कि सरकारें जब सुनती नहीं है, जब संवेदनहीन हो जाती हैं, तब संतों को प्राण देना पड़ता है। प्रोफेसर GD अग्रवाल की 4 मांगे थी। पहला था कि गंगा पर अब कोई नया बांध नहीं बनना चाहिए और जो बांध बन रहे हैं वो रद्द होने चाहिए। स्वामी सानंद जी का आदर्श स्वामी निगमानंद जी थे और मेरे आदर्श वो दोनों थे, स्वामी निगमानंद जी, स्वामी सानंद जी। मेरे सामने ही माफिया सरकार ने मिलकर दोनों ने मरवा दिया। वो गंगा की अविरलता के लिए बैठे थे, उनके मांगों को लेकर मैं बैठी हूँ। हमारी 6 मांगे हैं जी, जिसमें गंगा पर बनने प्रस्तावित निर्माणाधीन समस्त बांधों को निरस्त किया जाए, जिससे उसका सिंगोली बटवारी फाटाबिंग तपोवन विष्णुगढ़ और विष्णुगढ़ पीपल कोटी को तत्काल निरस्त किया जाए, पहली मांग। दूसरी मांग है बने हुए बांधों से IIT कंजोर्टियम के रिकमेंडेशन के अनुसार ई फ्लो दिया जाए और ये नियम हरिद्वार के भीमगौड़ा, नरोरा आदि बांधों पर भी लागू हो। रुड़की के नगर निगम चौक पर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया, जिसके दौरान कई वाहनों का चालान काटा गया। RTO ज्योति शंकर मिश्रा ने बताया कि इस अभियान के तहत ड्राइविंग के समय मोबाइल का प्रयोग करने वाले, प्रदूषण ज्यादा फैलाने वाले वाहन और जुगाड़ वाहनों को फोकस किया गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग यातायात नियमों के खिलाफ काम करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत हम लोग आज फोकस करके काम कर रहे थे। अभी यातायात पुलिस भी हम लोगों के साथ थी, तो ज्वाइंट चेकिंग चल रही थी। विशेष करके मोबाइल प्रयोग करने वाले, जुगाड़ वाहन या इस तरीके के वाहन जो प्रदूषण फैला रहे हैं, बहुत ज़्यादा असुरक्षित तरीके से संचालन कर रहे हैं, उनको फोकस करके आज काम किया जा रहा है। और हमारा उद्देश्य ये है कि दुर्घटनाओं में कमी आए। जाड़े के मौसम में लोग हेलमेट नहीं लगा रहे हैं। पिछले 3 दिनों में दोपहिया वाहनों की दुर्घटनाओं में कई लोगों की मौत भी हुई है, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं। बिल्कुल लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले महीने 20 से अधिक बसें बंद की गई हैं और कल भी हम लोगों ने 2 डग्गामार बसें, एक का चालान किया, एक को बंद किया है, तो इस पर भी कार्रवाई है। रुड़की में दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, एक जहां एक युवक को कुछ दबंगों ने सरेआम लोहे की रॉड से पिटाई कर दी और घायल युवक को छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना पर युवक के परिजन मौके पर पहुंच गए और आनन फानन में घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं बीच चौराहे पर युवक से मारपीट का वीडियो पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने CCTV फुटेज के माध्यम से आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। बिजोरली से आ रहा था अपनी बहन के यहाँ से, तो इन्होंने मुझे नवाब की दुकान पे, मैं चाय पी रहा था और मुझे इन्होंने पीछे से 4 आदमी थे, अनसार, बाबू, अनवार और एक होड़ता काला इसका लोंडा अनसार का, इन्होंने मुझे पीछे से आकर मारा। छत्ता बहुत ज़्यादा, वो ये बहुत बड़े दबंग आदमी है, यहाँ बहुत आदमी थे, किसी ने छुटाया नहीं मुझे। और फिर मुझे 6 छात्र को गाड़ी पर बिठा लिया, फिर मुझे पुलिस वाले आए, पुलिस वाले ने मुझे नीचे उतरवाया उनसे।
वहीं चमोली के निजमुला घाटी में लगभग 1.5 महीने से बिजली नहीं आ रही, जिससे निजमुला घाटी लगभग 11 गांवों के लोग आज भी अंधेरे में रात काटने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित विभाग और प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिससे क्षेत्रीय लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वह इस बारे में जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पिछली बर्फबारी में क्षेत्र के अधिकतम लाइनें ध्वस्त हो गई थी, जिस पर काम चल रहा है और 4 से 5 दिन के अंदर बिजली बहाल कर दी जाएगी। हमारे क्षेत्र में लाइट लापता है, तारें टूटी हुई है, बर्फबारी हुई है और हम सारी ग्राम सभा गांव के लोग परेशान हैं और हमने इसके लिए शासन प्रशासन विभाग को लिखित और मौखिक रूप में अवगत कराया है और अभी तक हमारे क्षेत्र में कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी ने पहल तक नहीं की अभी तक। और मैं विभाग से अनुरोध करता हूं, शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूं, उम्मीद रखता हूं कि हमारे क्षेत्र में समय से लाइट और सड़क और एजुकेशन, ये तीन व्यवस्थाएं आज भी हमारे क्षेत्र में बड़ी समस्या बनी हुई है। लाइट की अध्यापक के लिए साल 14 दिसंबर से हमारी मैडम लापता है, सरोजनी भंडारी जी, वो शिक्षा अधिकारी जी बताते हैं तुम्हारे यहाँ पे 3 अध्यापिका हैं और गिनती में हमारे पास सिर्फ 2 ही अध्यापिका हैं, उनको व्यवस्थापक ये मायापुर जैसाल में भेजा गया है, जिससे हमारे बच्चों के पठन पाठन में बड़ी दिक्कतें हो रही है। हमारे इधर तो मतलब 1.5 माह हो चुके हैं और अभी तक लाइट नहीं है और रास्ते भी खराब है, और क्योंकि प्रशासन को लिखित और मौखिक रूप से हमने बता चुके हैं और मैं चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र में एक्शन लिया जाए, क्योंकि लाइट होना जरूरी है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई है और बोर्ड परीक्षाएं भी नजदीक आने वाली है। अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाता, पर क्योंकि बहुत दूरस्थ क्षेत्र है और बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है, लाइन भी डैमेज हुई है, तो अभी हमारी टीम वहाँ पे काम कर रही है, शायद 4-5 दिन में सारी सप्लाई रिस्टोर हो जाएगी और जो टूट फूट है उसका एस्टीमेट भी हमने बना दिया है, आप देहरादून से मतलब मुख्यालय से अप्रूवल आते ही उसको भी ठीक कर दिया जाएगा। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।